आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हरीश नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान डिलीवरी का काम पूरा इंडिया में किया करता था। एक दिन वह सामान की डिलीवरी लेकर महाराष्ट्र में जा रहा था। वैसे तो हमेशा हरीश के साथ कोई ना कोई हेल्पर डिलीवरी के समय रहता ज़रूर था, लेकिन उस दिन उसका हेल्पर बहुत बीमार था, इसलिए वह बिना हेल्पर के ही वह डिलीवरी करने जा रहा था। क्योंकि हरीश को उस सामान की बहुत जल्दी क्लाइंट को डिलीवरी देनी थी, तो रास्ते में शाम को वह एक ढाबे पर रुका, जहां उसने भरपेट खाना खाया और जल्दी ही वहां से निकल गया। आगे वह जिस रास्ते से जा रहा था, वह पूरा सुनसान रास्ता था। अब शाम ढल चुकी थी और रात हो गई थी। कुछ दूर सड़क पर चलते हुए हरीश को रास्ते के किनारे पर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया, जिससे उस ट्रक का सारा लोड सामान बाहर बिखरा पड़ा था। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट और टेल लाइट जल रही थी। हरीश ने ऐसी स्थिति में उस ट्रक ड्राइवर की मदद करने के लिए अपना ट्रक रोक लिया। हरीश ने पास जाकर उस ट्रक के कैबिन में देखा, लेकिन उस ट्रक में ना तो कोई ड्राइवर और ना ही कोई हेल्पर नज़र आया। उस ट्रक के आगे का शीशा टूटा हुआ था और आगे वाला हिस्सा अंदर घुसा हुआ था, जो देखने पर मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रक किसी खंभे से टकराया हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई खंभा नहीं था। रास्ते में एक तरफ खाई और दूसरी तरफ घना जंगल था। उसने सोचा, इस ट्रक की ऐसी हालत है, इसकी सूचना मुझे अपने मालिक को देनी चाहिए, वही इसकी कुछ मदद कर पाएंगे। उसने तभी अपने मालिक को तुरंत फोन करके बताया। मालिक ने हरीश से कहा, उस ट्रक का नंबर मांगा और मालिक ने हरीश से कहा कि वह इसकी सूचना पुलिस को देगा। इसके बाद हरीश अपने ट्रक पर वापस जाने लगा, तभी उसके पैर के नीचे कुछ चीज़ आई। जब उसने ध्यान से देखा, तो वह खून से सना मांस का एक लोथड़ा पड़ा था। इसके बाद उसने अपने ट्रक पर वापस जाकर टॉर्च लाइट निकाल कर ले आया। उसने टॉर्च जैसे ही ड्राइवर के नीचे वाली सीट पर मारी, तो वह बहुत सा खून बिखरा पड़ा था, जिससे हरीश बहुत डर गया। तभी उसके पास के जंगल की झाड़ियों के सरसराने की आवाज़ आई। हरीश ने झाड़ी पर टॉर्च मारी, तो उसको दो लाल रंग की आंखें चमकती हुई नजर आई। वह एक 10 फुट का जानवर की शक्ल का जीव था। वह जैसे ही हरीश की तरफ लपका, हरीश बड़ी तेजी से ट्रक की तरफ भागा। हरीश बहुत डर गया था और अपना ट्रक झटके से स्टार्ट करके वहाँ से भाग लिया। हरीश की अब भी सांस फूल रही थी। हरीश को अब समझ आ चुका था कि उसी डरावने जीव के सामने आने की वजह से वह ट्रक पलटा होगा और उसने ज़रूर ड्राइवर और हेल्पर को मार दिया होगा। हरीश डिलीवरी करके आने के बाद भी उसी रास्ते से आया, लेकिन अब दिन का समय था और उसने अब की बार रुकने की बिल्कुल भी नहीं सोची और अपने घर की ओर
चला गया। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आऊँगा एक और सच्ची कहानी के साथ।